नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy F15 5G versus Poco M6 Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F15 5G में 6.3 इंच जबकि M6 Plus में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो F15 5G में 3.02 इंच जबकि M6 Plus में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि F15 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो F15 5G में 0.37 इंच जबकि M6 Plus में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो F15 5G में 217 ग्राम जबकि M6 Plus में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो F15 5G में सुपर एमोलेड जबकि M6 Plus में LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो F15 5G में 6.5 इंचेस जबकि M6 Plus में 6.79 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन F15 5G में 1080x2340px FHD Plus और M6 Plus में 1080x2460px FHD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F15 5G में 84.17% जबकि M6 Plus में 85.26% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 396 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F15 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और M6 Plus की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो F15 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और M6 Plus की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F15 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और M6 Plus में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F15 5G में माली G57 MC2 जबकि M6 Plus में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F15 5G में MediaTek Dimensity 6100 Plus और M6 Plus में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 3 ऑप्शन देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB, 8GB की रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो F15 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि M6 Plus में 3 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी F15 5G में 6000 mAh जबकि M6 Plus में 5030 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F15 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीज,
6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें M6 Plus की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,799 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी F15 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें पोको M6 Plus 5G की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में F15 5G आगे है, मेन कैमरा में M6 Plus आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में M6 Plus आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200 Pro 5G है, दूसरा Oppo K12X 5G है, तीसरा Motorola Edge 50 Fusion 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme GT60 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।